जिनका मंत्रालय के कार्य प्रणाली कार्य संचालन से कोई लेना देना नहीं। तो घर की महिलाओं को सिर्फ प्रताड़ना के लिए आपने नाम डाल दिया। समन पे समन भेजा जाएगा, समन पे समन, वो समन नहीं है। वो जो दो ऊपर बैठे सनम है ना, उनकी ओर से इशारा है। हम कुछ सवाल पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हैं। वो सवाल भी है, वो शिकायत भी है, और अगर आप पड़ताल करें तो आपको लगेगा कि जो बात लगातार पटना में भी पीसी करके मैंने कहा था कि 22 जनवरी से पूर्व ये तीनों एजेंसीज का इस्तेमाल करेंगे विपक्ष के लोगों को घेरने के लिए। 22 जनवरी के बाद ये दूसरे पहलू पे जाएंगे, लेकिन 22 जनवरी तक तो मैं आज मोटा मोटी आप सबने देखा होगा कि लैंड फॉर जॉब में चार्जशीट दाखिल की गई है। आइए इस चार्जशीट के बरक्स हम लोग कुछ बातें समझ लें। 2008 यानी आज से तकरीबन 16 साल पूर्व ये केस दर्ज किया गया था। ये महत्वपूर्ण सवाल आपके माध्यम से पूछा जाए कि क्या रेलवे के किसी अधिकारी ने इसे घोटाला माना था? नहीं। 2008 में एक फिक्टिशियस आरोप लगा और कई जगह एफआईआर हुई, कई जगह एफआईआर हुई रेलवे की असहमति से। उन एफआईआर में बाद में क्लोजर भी डाला गया क्योंकि पाया गया कि कहीं कोई संलिप्तता किसी की नहीं मिली, लैंड फॉर जॉब में कोई कोरिलेशन इस्टैब्लिश नहीं हो पाया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खुद सीबीआई कह चुकी है अलग अलग एफआईआर को बंद करने के दौरान। फिर केस 2021 में खोला जाता है जिसमें पंख लगाए जाते हैं 2022 से, यानी कि तीव्रता और त्वरित गति बढ़ती है। 2022 आप सबको याद है कि अगस्त के महीने में रिवर्स ऑपरेशन लोटस हो गया बिहार में। ये ऑपरेशन लोटस हर जगह करते थे तो थोड़ा बिहार ने इनको रिवर्स ऑपरेशन लोटस बता दिया। जैसे ही हुआ त्वरित गति से इन एजेंसीज को, मैं समझता हूं कि चिप सत्ता शीर्ष के जो दो टॉप लोग हैं उन्होंने पकड़ा दिया कि किसी भी तरह इन्हें परेशान करो, इन्हें उलझा के रखो। और ये किनके इशारे और इरादे से हुआ, मैं साफ तौर पे कहता हूं कि सत्ता शीर्ष पर बैठे हुए दो लोगों को। अब आज जब अगर आप चार्जशीट आज की देखें, घर की तमाम उन महिलाओं बेटियों के नाम जिनका मंत्रालय के कार्य प्रणाली कार्य संचालन से कोई लेना देना नहीं, अगर इतने बड़े स्केल पर जैसा आप सोचते हैं, कल्पना में एक षड्यंत्र सोचते हैं, कोई रेलवे का अधिकारी नहीं, मंत्रालय का अधिकारी नामित नहीं, तो घर की महिलाओं को सिर्फ प्रताड़ना के लिए आपने नाम डाल दिया और खेल खुला रखा आपने। मैं आज आपके माध्यम से कहता हूं कि ये सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेंगे, ये उन लोगों का नाम डालेंगे जिनके नाम अब तक नहीं है। तो वेंडेटा पॉलिटिक्स का इससे बड़ा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। अब ये वेंडेटा पॉलिटिक्स हो क्यों रही है, ये मैंने पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और आज भी दोहरा रहा हूं। अलग अलग राज्यों में जो मुखर चेहरे हैं भाजपा विरोध के, भाजपा की जमीन पांव के नीचे की जमीन नहीं है। वो पॉलिटिकली लड़ने में अक्षम है, नाकाबिल है, परेशान है। तो अब उस वजह से वो क्या कर रहे हैं कि आज भी कहा गया तो हमने पूछा कि फिर प्रोसिक्यूशन की ओर से ये इतनी जल्दबाजी फाइल करने की क्यों थी। जाहिर तौर पर जल्दबाजी की वजह है और खेल खुला रखा जाएगा, समन पे समन भेजा जाएगा, समन पे समन, वो समन नहीं है। वो जो दो ऊपर बैठे सनम है ना, उनकी ओर से इशारा है इन एजेंसीज को। और मैं बार बार कहता हूं और आज फिर दोहरा रहा हूं आपके माध्यम से, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई रेजीम अमृत पी के नहीं आया है। हम उन अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि भाजपा के सत्ता शीर्ष के दो लोगों के इशारे और इरादे को क्रियान्वयन करने में आपने अपनी संस्थाओं का चरित्र हनन कर दिया। कल को जब सत्ता परिवर्तन होगा, इसी चरित्र का खामियाजा क्या आज की भाजपा को भुगतना नहीं पड़ेगा? क्यों परेशानी करने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि एक पॉलिटिकल लड़ाई आपसे संभल नहीं पा रही है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु,
कौन सा राज्य छूटा? जहां बीजेपी कमजोर है, ये तीनों एजेंसीज उसको मजबूत बनाने के काम में लगी हुई है। हो ना पाएगा उनसे, लेकिन परिस्थितियां इस दिशा में इंगित करती है कि जब इस तरह की चीजें एक प्रताड़ना और उत्पीड़न की राजनीति यहां तक पहुंचती है तो कई सारे सवाल पूछ के छोड़ के जाती है। इस केस को अलग अलग जगहों पे कहा गया, कोई एविडेंस नहीं, फिर कहां से खुल गया, किसके इशारे पे खुला, क्यों खोला गया, अंतर्निहित भाव क्या है, क्या हम नहीं समझते? अंतर्निहित भाव है ऐसे लोग जो आपसे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, आप उनको उलझा के रखना चाहते हैं पूरे चुनाव, समन पे समन, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, ये सारी चीजें मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं मेरी बात सच साबित होगी। और तब आप कहेंगे कि हमें अंदेशा था, हमें तो उसी ब्यूरोक्रेसी के लोग बताते हैं, चाहे ईडी हो, आईटी हो, सीबीआई हो, कई अधिकारी दोस्त हैं जो साथ पढ़ चुके हैं, वो कहते हैं कि हम कहते हैं कि ये अति हो रही है, ऐसा ना करिए। लेकिन आमदा है सत्ता शीर्ष के दो लोगों को, हर विपक्ष की मजबूत आवाज ईडी आईटी सीबीआई के चक्कर लगाते देखना चाहती है। तो आपके माध्यम से आज के जो आज का डेवलपमेंट था लैंड फॉर जॉब का, आपके समक्ष रखा, एक ऐसा घोटाला जिसको मंत्रालय घोटाला नहीं मानता है, एक ऐसा तथाकथित घोटाला जिसकी अलग अलग जगहों पर क्लोजर हो चुकी है, एक ऐसा घोटाला जिसमें ईडी और सीबीआई एक जैसा नहीं सोचती। उदाहरण के लिए अमित कात्याल जी, उनको सीबीआई ने प्रोटेक्टेड विटनेस माना और ईडी ने उठा लिया, वो हो क्या रहा भाई? ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है? रूल ऑफ लॉ की कुछ मर्यादा होती है, आपने तमाम मर्यादाएं तोड़ दी हैं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, बिहार, पूरा देश गवाह है कि जिस दिन आपकी सत्ता जाएगी आपको भी चक्कर काटना होगा। हमें तब आपके लिए बुरा लगेगा, मैं आज कह रहा हूं आपके लिए बहुत बुरा लगेगा कि आपको चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन एक बात तो कहेंगे, साहब इस रवायत की शुरुआत तो आप ही ने की, इस रवायत की शुरुआत करने के पीछे आपका मकसद क्या था वो हम सब जानते हैं।